हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर तक के हमने डी ब्लॉक एलिमेंट्स के सारे पार्ट्स कवर किए। नेक्स्ट है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। पीरियडिक टेबल आपके सामने है। पीरियडिक टेबल जनरली, पीरियडिक टेबल में अगर देखेंगे तो आपको पूरे एलिमेंट्स चार ब्लॉक्स के अंदर क्लासिफाइड मिलेंगे। ये जो लेफ्ट हैंड साइड के दोनों ग्रुप से पहला और दूसरा ग्रुप, ये दोनों ग्रुप को हम एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। इनको क्या बोलेंगे? एस ब्लॉक एलिमेंट। उसके बाद राइट हैंड साइड पे ये ग्रुप नंबर 13 से लेकर ग्रुप नंबर 18 के एलिमेंट्स को कलेक्टिव फॉर्म में क्या कहेंगे? पी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलेंगे। मिडल पार्ट के ये जो सारे एलिमेंट्स है, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा, हम इनको क्या बोलेंगे? डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और पीरियडिक टेबल के नीचे दो सीरीज आपको नजर आएंगे, ठीक है। जैसे डी ब्लॉक एलिमेंट में सीरीज थी ना 3D, 4D, 5D, 6D सीरीज, वैसे नीचे भी आपको दो सीरीज दिखेंगी कि जिसमें सक्सेसिवली जो है वो इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है एफ सबशेल में। इसकी वजह से ये दोनों सीरीज को हम क्या बोलेंगे? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बोलेंगे। ये दोनों सीरीज के एलिमेंट्स को क्या बोलेंगे? एफ ब्लॉक एलिमेंट, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है। ये एलिमेंट्स के ये एलिमेंट्स का लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है एफ सबशेल में, इसकी वजह से इनको क्या बोलेंगे? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। अब देखो, ऑलरेडी डी ब्लॉक एलिमेंट में बहुत सारी चीजें हमने इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन से रिलेटेड, पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन पीरियडिक टेबल, इससे भी रिलेटेड बहुत सारी चीजें हमने डिस्कशन की है। अभी आपको पीरियडिक टेबल में कभी कभी ऐसा लगता होगा कि एफ ब्लॉक एलिमेंट की पोजीशन ऐसे क्यों है, क्यों एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को नीचे रखा गया है, ठीक है। तो ये सवाल का जवाब भी हमको आज के लेक्चर के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। अभी देखो, पीरियडिक टेबल की तरफ थोड़ा सा फोकस करेंगे। पीरियडिक टेबल में तीसरे ग्रुप में देखो कौन कौन से एलिमेंट है। डी ब्लॉक एलिमेंट तीसरा ग्रुप किसमें आएगा? डी ब्लॉक एलिमेंट में आएगा। ये तीसरे ग्रुप में क्या है? स्कैंडियम है, इटरबियम है, लैंथेनम है, एक्टिनियम। उसके बाद चौथे ग्रुप में देखो टिटानियम, जिर्कोनियम, हाफनियम और रदरफोर्डियम, ये एलिमेंट्स है। अब देखो लेंथ, सारे एलिमेंट्स पीरियडिक टेबल के अंदर अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर ऐसे रखे गए। यानी कि यहाँ पर आपको एलिमेंट कैसे मिले, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, हेलियम का 2 है, उसके बाद 3, 4, 5, 6 इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर है। ये स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन एटॉमिक नंबर 21 है, तो टिटानियम 22। लेकिन जब हम लैंथेनम से इधर जाएंगे तो आप देखो लैंथेनम का एटॉमिक नंबर 58 है। लैंथेनम का एटॉमिक नंबर कितना है? 58 है। उसके बाद वाला जो एलिमेंट है हाफनियम, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि हाफनियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 59 है। तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर जब हम पीरियडिक टेबल में देखेंगे तो आपको 58 वाले एलिमेंट लैंथेनम के बाद जो हाफनियम मिल रहा है उसका डायरेक्ट एटॉमिक नंबर कितना मिला? 72 मिला, ठीक है। यानी कि इसमें यहाँ पर 14 एलिमेंट्स का एक कहाँ पर क्या है, कहीं तो मिसिंग है। तो मिसिंग ने वो बीच वाले 14 एलिमेंट की पोजीशन क्या है पीरियडिक टेबल में? नीचे। वैसे ही जैसे लैंथेनम और हाफनियम के बीच वाले 14 एलिमेंट्स को हमने नीचे रखा, वैसे ही एक्टिनॉइड वाला जो एलिमेंट है, तो एक्टिनम का एटॉमिक नंबर कितना है? 89 है। और उसके बाद आपको ऐसा लग रहा होगा कि रदरफोर्डियम का एटॉमिक नंबर 90 होगा, तो ऐसा नहीं है। 89 के बाद डायरेक्ट आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा? 104। यानी कि यहाँ पर भी 14 एलिमेंट्स क्या है? मिसिंग है। तो ये 14 एलिमेंट्स मिसिंग नहीं है, उसको हमने कहाँ पर रखा है? ये नीचे उनकी पोजिशन है 14 एलिमेंट की। तो यानी कि दोनों जगह पर देखो, ये दोनों लैंथेनम के बाद वाले 14 एलिमेंट्स और एक्टिनम के बाद वाले 14 एलिमेंट्स, ठीक है। ये दोनों सीरीज को हमने नीचे हॉरिजॉन्टली इनको क्या किया है? अरेंज करके रखा है। तो ये ऐसा क्यों किया? तो इसका आंसर आपको उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से मिलेगा। उसका आंसर कहाँ पर मिलेगा? उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर से मिलेगा, जो कि उसके पर जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे लैंथेनाइड एलिमेंट्स का और एक्टिनॉइड्स एलिमेंट्स का, ये सारी ये वाली सीरीज को सेरियम से लेकर, अभी देखो यहाँ पर लैंथेनम के बाद कौन आ रहा है? सेरियम, हैविंग एटॉमिक नंबर 60, ठीक है, हैविंग एटॉमिक नंबर 59, हैविंग एटॉमिक नंबर 59 से लेकर 103 तक,
लैंथेनम से लेकर लुटेटियम तक के 14 एलिमेंट्स। ये क्या है, लैंथेनम के बाद आ रहे हैं, लैंथेनम के बाद आ रहे हैं, सेरियम से लेकर लुटेटियम के तक के 14 एलिमेंट्स है, ये लैंथेनम के बाद आ रहे हैं। और दे शोस द सिमिलर प्रॉपर्टीज एज द लैंथेनम, देयरफॉर दीस 14 एलिमेंट्स इज कॉल्ड एज अ लैंथेनॉइड एलिमेंट। ये 14 एलिमेंट्स को हम लैंथेनॉइड एलिमेंट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये लैंथेनम के बाद आते हैं, लैंथेनम को फॉलो करते हैं और लैंथेनम की जैसी प्रॉपर्टीज क्या करते हैं, शो करते हैं। ठीक है, जैसे कि लैंथेनम प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, क्यों, क्योंकि लैंथेनम तीसरे ग्रुप में, तो ये सारे एलिमेंट्स भी इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट के हमें प्लस 3, तो इस हिसाब से हम ये सारे एलिमेंट्स को, 14 एलिमेंट्स को लैंथेनॉइड एलिमेंट बोलेंगे। जैसे एक पहले सीरीज का नाम हो, वैसे एक्टिनम के पास ये जो 14 एलिमेंट्स आ रहे हैं थोरियम से लेकर एटॉमिक नंबर 97103 तक के, थोरियम से लेकर लॉरेंसियम तक ये जो 14 एलिमेंट्स है ये एक्टिनियम को फॉलो करते हैं। दे शो सिमिलर प्रॉपर्टीज एज लाइक एक्टिनियम, देयरफॉर दिस सीरीज इज कॉमनली कॉल्ड एज एक्टिनॉइड सीरीज। तो ये बात तो हमने भी यहाँ पर डिस्कशन कर ली कि ये वाली सीरीज को लैंथेनॉइड सीरीज या लैंथेनॉइड एलिमेंट्स क्यों कहेंगे, और ये सारे एलिमेंट्स को हम एक्टिनॉइड एलिमेंट्स क्यों बोलेंगे, ये हमने डिस्कशन किया। उसके बाद कुछ कॉमन क्वेश्चन है उसके ऊपर फोकस करेंगे। ये देखो, एफ ब्लॉक एलिमेंट को एफ ब्लॉक एलिमेंट क्यों कहा गया है, क्योंकि उनका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर कर रहा है, एफ सबशेल में एंटर कर रहा है, इसकी वजह से उनको हमने क्या कहा, एफ ब्लॉक एलिमेंट कहा। तो इसका ये एक ही नाम नहीं है, और एक नाम आपको एफ ब्लॉक एलिमेंट का देखने को मिलेगा, वो है रेयर अर्थ एलिमेंट। क्या है, रेयर अर्थ एलिमेंट। तो आगे क्वेश्चन बनेगा, व्हाई द एफ ब्लॉक एलिमेंट इज कॉमनली कॉल्ड एज अ रेयर अर्थ एलिमेंट। तो इसका आंसर ये है कि ये नेचर में से बहुत रेयरली एक्सिस करते हैं, बहुत कम अमाउंट में एक्सिस करते हैं, इनको निकालना एक्सट्रैक्ट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, इसकी वजह से इसको हम क्या कहते हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट्स बोलेंगे। उसके बाद आगे, व्हाई द एफ ब्लॉक एलिमेंट इज कॉमनली कॉल्ड एज ए इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। अगेन एक क्वेश्चन बन गया है यहाँ पर, व्हाई द एफ ब्लॉक एलिमेंट इज कॉमनली कॉल्ड एज ए इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। तो इसका आंसर ये है कि सबसे पहले तो एलिमेंट्स की कैटेगरी हम देखेंगे, ठीक है। एक तो है नॉर्मल एलिमेंट, एक क्या है नॉर्मल एलिमेंट, एक है ट्रांजिशन एलिमेंट और एक है इनर ट्रांजिशन ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। इसको समझने के लिए मैं एक डायग्राम आपके सामने बनाऊंगा। फॉर एग्जांपल, ये न्यूक्लियस है किसी एलिमेंट, और ये न्यूक्लियस को ये पहली शेल सराउंडेड है, उस हिसाब से ये दूसरी शेल सराउंडेड है, ये तीसरी शेल सराउंडेड है, ये चौथी, और उसके बाद लास्ट वाली क्या है, फिफ्थ शेल। लास्ट वाली शेल कौन सी है, पांचवें नंबर की शेल, ठीक है। लास्ट शेल को, एलिमेंट के लास्ट शेल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको हम क्या बोलेंगे, आउटर मोस्ट शेल। इसको क्या बोलेंगे, आउटर मोस्ट शेल। इसको क्या बोलेंगे, आउटर मोस्ट शेल बोलेंगे, ठीक है। तो नॉर्मल एलिमेंट किसको बोलेंगे, कि जो एलिमेंट में, जो एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में एंटर करेगा, जो एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में एंटर करेगा, या फिर दूसरी लैंग्वेज में, जो एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, ऐसे एलिमेंट्स को हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल एलिमेंट्स बोलेंगे। पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक एलिमेंट जो है लास्ट वाले, पहले जो पहला और दूसरा ग्रुप है, उनका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अगर देखेंगे, तो उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आपको NS1 या फिर NS2, ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप का, NS1 NS2, यानी कि लास्ट इलेक्ट्रॉन S सबशेल में, लास्ट वाली सबशेल में एंटर कर रहा है, आउटर मोस्ट शेल वाले एंटर सबशेल में एंटर कर रहा है ये दोनों ग्रुप के, और ये वाले ग्रुप्स के एलिमेंट्स के लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, जिसकी वजह से हम उनको नॉर्मल एलिमेंट बोलेंगे। उसके बाद देखो ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट में होगा क्या, कि ये लास्ट शेल इसको रिप्रेजेंट किससे किया, पांचवे नंबर की शेल लास्ट शेल इसको रिप्रेजेंट किससे किया, एन से। लास्ट से अंदर वाली जो शेल होगी, यानी कि लास्ट वाली शेल पांचवी, तो उससे अंदर वाली शेल कौन सी होगी, चौथी, ठीक है।
ठीक है, लास्ट के अंदर वाली फिर क्या होगी, चौथी होगी। अब इसको ये फैक्शन में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, एन के फैक्शन में एन माइनस वन लिखना, ठीक है। तो अब देखो ट्रांजिशन एलिमेंट में क्या है, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा लास्ट बट वन एन माइनस वन सेक्शन में, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर करेगा, लास्ट बट वन अंदर वाली सेक्शन में लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा, या फिर दूसरी लैंग्वेज में ये एलिमेंट की लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन और उससे अंदर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, इसकी वजह से हम इनको ट्रांजिशन एलिमेंट बोलेंगे, ठीक है। अब देखो उसके बाद इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट किसको बोलेंगे, लास्ट शेल एक पांचवी उससे अंदर वाली शेल चौथी, इसको एन से रिप्रेजेंट किया, चौथी शेल को एन माइनस वन से, अब उसके अंदर वाली शेल कौन सी है, तीसरी है, अब इसको रिप्रेजेंट करना है फैक्टर में तो कैसे लिखेंगे, एन माइनस टू, एन माइनस टू। तो आप देखो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट में क्या है, इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा लास्ट शेल से अंदर वाली और उससे भी अंदर वाली सबशेल में क्या है, इलेक्ट्रॉन फील्ड होगा लास्ट इलेक्ट्रॉन, इसकी वजह से हम इसको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलेंगे, या फिर दूसरी लैंग्वेज में ऐसे एलिमेंट जिसके लास्ट शेल उसके अंदर वाली शेल और उसके भी अंदर वाली शेल के इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, ऐसे एलिमेंट्स को हम क्या बोलेंगे, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। और एक सबशेल अंदर वाली ही सबशेल है, एक सबशेल मतलब क्या है, अंदर वाली सबशेल है, इसमें अंदर वाली सबशेल लास्ट शेल से अंदर वाली और उससे भी अंदर वाली शेल में इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है, इसकी वजह से हम इसको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलेंगे। लास्ट शेल को आउटर मोस्ट शेल बोलते हैं, उसकी अंदर वाली शेल को पेनाल्टीमेट शेल बोलेंगे, इसको क्या एन माइनस वन को पेनाल्टीमेट शेल बोलेंगे और एन माइनस टू को क्या बोलेंगे, प्री पेनाल्टीमेट, प्री पेनाल्टीमेट, प्री पेनाल्टीमेट शेल, ठीक है। इस हिसाब से इसमें एक सबशेल में अंदर वाली से भी अंदर वाली सबशेल में इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा, इसकी वजह से उसको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलेंगे, ठीक है। कुछ कॉमन जो क्वेश्चंस थे उसके बारे में भी हमने डिस्कशन किया। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ, आप देखो ये दोनों सीरीज है, जैसे रियम से निकल रोटेटियम के 14 एलिमेंट्स को हम लैंथेनॉइड एलिमेंट बोलेंगे, क्योंकि ये लैंथेनम को फॉलो कर रहे हैं और ये लैंथेनम की सीरीज है, और उसके बाद दूसरे एक्टिनॉइड एलिमेंट है थोरियम से लॉरेंसियम तक, ये एक्टिनम को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए हम इसको एक्टिनॉइड एलिमेंट बोलेंगे या फिर एक्टिनॉइड सीरीज बोलेंगे। तो हम ये दोनों सीरीज अलग अलग डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लैंथेनॉइड एलिमेंट का, उसकी कुछ कॉमन प्रॉपर्टी, उसके बाद एक्टिनॉइड एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन उसके कॉमन प्रॉपर्टीज, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं, टुडे वी आर गोइंग टू बी डिस्कस अबाउट द न्यू टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ लैंथेनॉइड एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक एलिमेंट ये वाली सीरीज हमारी शुरू है, इसमें फर्स्ट लेक्चर में इससे पहले हमने एफ ब्लॉक एलिमेंट के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें डिस्कस की थी, जैसे कि वाई द एफ ब्लॉक एलिमेंट इज कॉमनली कॉल्ड एज ए रेयर अर्थ एलिमेंट, वाई द एफ ब्लॉक एलिमेंट इज कॉमनली कॉल्ड एज ए इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, एंड वाई द पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पोजिशन ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट, अगेन थोड़ा सा डिस्कशन हमने इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के से रिलेटेड भी किया था। अभी डिटेल में क्या है, लैंथेनॉइड एलिमेंट के एफ ब्लॉक एलिमेंट में दो सीरीज है, पीरियोडिक टेबल में नीचे जो है वो दो सीरीज अरेंज की है, ठीक है, 14-14 एलिमेंट की, एक सीरीज है सीरियम से लेकर लुटेटियम तक वाली और दूसरी थोरियम से लॉरेंसियम तक वाली, ठीक है। तो उसमें से एक सीरीज हम वहाँ पर डिस्कस करने वाले लैंथेनॉइड एलिमेंट्स की, ये एलिमेंट्स को लैंथेनॉइड एलिमेंट्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये लैंथेनम को फॉलो करते हैं, ठीक है। जनरली लैंथेनम के बाद वाले जो 14 एलिमेंट्स है जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है एफ सबशेल में, इसकी वजह से इनको हम एफ ब्लॉक एलिमेंट में रखते हैं, ठीक है। जनरली एटॉमिक नंबर ये वाली सीरीज में लैंथेनम का एटॉमिक नंबर क्या है, 57, और उसके बाद सेरियम, अब सेरियम से लेकर लुटेटियम तक के जो 14 एलिमेंट्स है ये सारे एलिमेंट्स लैंथेनम को फॉलो करते हैं। जनरली दे शोज द सिमिलर प्रॉपर्टीज एज लाइक लैंथेनम, लैंथेनम के जैसे ही प्रॉपर्टी शो करते हैं, इसकी वजह से हम इनको लैंथेनॉइड एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। अब सेरियम से एटॉमिक नंबर 58 से लेकर एटॉमिक नंबर 103 तक,
रुटेटियम का एटम नंबर 103 तक है। ऐसे जो 14 एलिमेंट्स है इसको हम लैंथेनाइड एलिमेंट बोलेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखेंगे लैंथेनाइड एलिमेंट का, ठीक है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट का जो, अगर आपने मेरा पहला लेक्चर पहला वीडियो देखा होगा तो मैंने उसमें जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन किसी भी एलिमेंट्स का निकालने के लिए कौन कौन से रूल्स लगेंगे और क्या क्या चीजें जरूरी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन निकालने के लिए, वो सारी चीजें अपने वो लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कशन कर रखी है। फिर अगेन थोड़ा सा मैं वो चीज को इन शॉर्ट रिपीट करूंगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आपको एक्सेप्शनल देखने को मिलेगा ब्लॉक एलिमेंट का। सबसे पहले पूरे रूल्स को मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन निकालते वैसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन निकालेंगे। अपबाउ ने क्या है, एक सीरीज दी है इलेक्ट्रॉन फिलिंग की। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन का मीनिंग क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन और फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट शेल सब शेल एंड ऑर्बिट। तो उस हिसाब से अपबाउ प्रिंसिपल ने सीरीज दी है कि कौन से ऑर्बिटल की एनर्जी कम है, कौन से ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा है, और कैसे हमको अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स फिलअप करते चलना है। तो आप वो की सीरीज है, पहला 1s सीरीज है, उसके बाद 2s, फिर उसके बाद क्या है 2p, उसके बाद 3s 3p 3d, उसके बाद क्या है 4s 4p 4d फाइनली 4f, उसके बाद 5s 5p 5d 5f, उसके बाद 6s 6p 6d, और उसके बाद क्या है 6f, और लास्ट में 7s, ठीक है। सबसे कम एनर्जी 1s ऑर्बिटल की, इसकी वजह सबसे पहले इलेक्ट्रॉन एंटर करेंगे 1s सबशेल में, उसके बाद 2s में, फिर 2p 3s, फिर उसके बाद क्या है 3p 4s, फिर उसके बाद 3d 4p 5s, उसके बाद 4d 5p 6s, उसके बाद 4f 5d 6p एंड 7s। यही फैशन में क्या इलेक्ट्रॉन एंटर करने वाले, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी कि इस हिसाब से इलेक्ट्रॉन पहले कौन से सबशेल में एंटर करेगा, तो सबसे पहले 1s सबशेल में इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा, उससे ज्यादा एनर्जी 2s सबशेल की है, फिर उससे ज्यादा एनर्जी 2p की है, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा 3s सबशेल में, उसके बाद इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है 3p में, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा 4s में, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा 4s के बाद 3d सबशेल में। 3d के पास सामने बिल्कुल क्या है 4f और 5s है, 4p 5s, उसके बाद इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा 4d सबशेल में, फिर 5p सबशेल में, फिर उसके बाद 6s सबशेल में, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा 4f सबशेल में, और 4f के बाद वाली सबशेल कौन सी है 5d वाली सबशेल, ठीक है। सबसे पहले ये पूरी सीरीज में लैंथेनम का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन निकालेंगे। लैंथेनम का एटॉमिक नंबर कितना है 57, यानी कि 57 इलेक्ट्रॉन्स हमको डिफरेंट ऑर्बिटल्स के अंदर भरने हैं। एनर्जी ऑर्बिटल हमारे सामने है, ठीक है। एस सबशेल की कैपेसिटी, एस ऑर्बिटल में हम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, पी में 6 भरेंगे, उस डी के अंदर 10, तो उस हिसाब से यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, इसके बाद यहाँ पर 2, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन भरेंगे पी सबशेल में, ठीक है। उसके बाद अगेन ये एस सबशेल में 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 6, अगेन यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, डी सबशेल है तो 10 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 6, अगेन यहाँ पर 2, यहाँ पर 10, यहाँ पर अगेन 6, और यहाँ पर कितने आएंगे 2 आएंगे। पहले इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेंगे, क्योंकि हमको इलेक्ट्रॉन कितने भरने, 57, उस हिसाब से 2 4 4 और 6 10, 12 12 और 6 18, 18 के पास 2 20, 20 और 10 30, 36 38 48 48 और 6 48 और 54, 54 के पास 2 क्या हो गए 56, ठीक है। और उसके बाद 56 यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ गए, इलेक्ट्रॉन कितने फिल करना है 57, यहाँ तक के 56 हुए। एक्सपेक्टेड क्या है 57वां इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जाना चाहिए 4s सबशेल में, ठीक है। तो अब देखो एक्सपेक्टेड यहाँ तक के इलेक्ट्रॉन हम अगर काउंट करेंगे जनरली यहाँ तक कितने इलेक्ट्रॉन भर रहे यहाँ तक के 54, कितने इलेक्ट्रॉन भर रहे
54 इलेक्ट्रॉन बन रहे वाहक के, ठीक है। और डी ब्लॉक एलिमेंट जब हमने डिस्कस किया था तो उसके फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था दो तरीके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के। एक तो ये सीरीज के हिसाब से इलेक्ट्रॉन बढ़ते चलिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा उसके बाद आगे ना हम इसको इसका कन्वर्जन, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कन्वर्जन कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भी कर सकते हैं। कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते वक्त हम क्या करेंगे, नोबल गैसेस का यूज करेंगे, नोबल गैसेस के एलिमेंट्स के सिंबल का यूज करेंगे कि तो उस हिसाब से यहाँ तक कि कितने इलेक्ट्रॉन भर रहे 57 विच इज रिसेम्बल टू ज़ेनॉन, ठीक है, नोबल गैस का। यानी कि इतना सब लिखने से अच्छा क्या है हम डायरेक्ट यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ तक के ज़ेनॉन लिखेंगे, यानी कि ज़ेनॉन 6s2 4f1 ऐसा लिखेंगे तो भी क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेक्ट है। तो एक्सपेक्टेड क्या है, लैंथेनम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस सीरीज के हिसाब से एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आना चाहिए, ज़ेनॉन, यहाँ तक कि मैं अभी नहीं लिखूंगा यहाँ पर इसकी जगह पर क्या लिखा हमने, ज़ेनॉन 54, उस 54 हो गए, उसके बाद दो इलेक्ट्रॉन 6s2 में गए यानी 56, अब 57 का इलेक्ट्रॉन किसमें, आगे की सबशेल बनती है 4f, उसके आगे की सबशेल कौन सी है 5d। अब यहाँ पर एक्सपेक्टेड क्या है, इलेक्ट्रॉन 4f सबशेल पर एंटर करना चाहिए, लेकिन अगर हम लैंथेनम का एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, एक्सपेरिमेंटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन 4f सबशेल में एंटर नहीं करेगा और इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा कहाँ पर, डी सबशेल के अंदर, ठीक है। इसकी वजह से लैंथेनम जो है वो डी ब्लॉक एलिमेंट का पार्ट है, ठीक है। आप देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन f सबशेल में क्यों नहीं गया, एक तो ये f सबशेल और d सबशेल ये दोनों सबशेल की एनर्जी क्या है, नियरली इक्वल है, सिमिलर है, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है एक्सेप्शनली f सबशेल में नहीं गया, कहां पर गया, d सबशेल में। और देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में के सारे एक्सेप्शन जो है वो आपको कुछ कुछ एक्सेप्शन d ब्लॉक एलिमेंट में मिलेंगे और कुछ कुछ एक्सेप्शन आपको क्या मिलेंगे, f ब्लॉक एलिमेंट में मिलेंगे, बाकी सब जगह पे आप बहुत ने जो सीरीज दी है उस हिसाब से आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या मिलेंगे, करेक्ट मिलेंगे। ये भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेक्ट है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन एक सबशेल में से कहां पर गया, डी सबशेल में। और उसके बाद लैंथेनम के बाद सेरियम के अंदर ऐसा नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में नहीं जाएगा, इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, एफ सबशेल में जाएगा। और उसके बाद सेरियम से लेकर ल्यूटेरियम तक 14 एलिमेंट में सक्सेसिवली अब क्या होगा, डी सबशेल में इलेक्ट्रॉन में एंटर करेगा, एफ सबशेल फिलअप होते चलेंगे, इसकी वजह से वो सीरीज को या फिर उसके बाद वाले सारे एलिमेंट्स के अंदर सक्सेसिवली एफ सबशेल फुलफिल्ड हो रही है, इसकी वजह से हमने वो सारे एलिमेंट्स को किस में रखा, एफ ब्लॉक एलिमेंट में रखा। और पीरियोडिक टेबल में अगर हम लैंथेनम के बाद सिलेंड्रिकल जैसी अरेंजमेंट थी इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, वैसे अगर हम वो एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में डाल देते तो पीरियोडिक टेबल बहुत क्या हो जाता, एक्सपांड हो जाता, बहुत ज़्यादा वास्ट दिखता, इसकी वजह से उसको क्या किया गया है, लैंथेनम के बाद वो सारे एलिमेंट्स को नीचे रखा गया और अगेन जो है इलेक्ट्रॉन 14 एलिमेंट 4f सबशेल बदलने के बाद अगेन इलेक्ट्रॉन एंटर करा डी सबशेल में, यानी कि अगेन डी ब्लॉक एलिमेंट शुरू हो रहे हैं, ठीक है। इसकी वजह से ये दोनों सीरीज को लैंथेनॉइड सीरीज और एक्टिनॉइड सीरीज की पोजीशन जो है वो पीरियोडिक टेबल में क्या है, नीचे, ठीक है। तो आप देखो ये है लैंथेनम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि मैं यहाँ पर उसको इधर लिखूंगा तो कुछ है क्या आएगा, ज़ेनॉन 6s2 4f0 5d1, ठीक है। अब देखो आगे दूसरा जो एलिमेंट है लैंथेनॉइड लैंथेनम के बाद दूसरा एलिमेंट बनता है सेरियम, सेरियम हैविंग एटॉमिक नंबर 58, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 58, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे क्या, वहाँ कुछ नहीं होगा, सारी चीज़ें कॉमन होंगी, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन जो है वो सबशेल में बढ़ने वाला है, लेकिन यहाँ पर ये डी सबशेल में नहीं इलेक्ट्रॉन जाएगा, किसमें, एफ सबशेल में। सेरियम में क्या होगा, ज़ेनॉन है, 54 यहाँ पर हो गए, उसके बाद दो इलेक्ट्रॉन इसमें 56 57वां और 58वां इलेक्ट्रॉन सीरियम में कहाँ पर है ना, एफ सबशेल में, ठीक है। सिर्फ लैंथेनम में वो एक्सेप्शनली किस में गया था, डी सबशेल में, उसके बाद सक्सेसिवली सीरियम पास से सबशेल जो है वो क्या होने वाली है, फिल होने वाली है, यानी कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है ना, सीरियम का ज़ेनॉन 6s2 4f2 5d0, ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे
xenon 6s2 ये वाली सीरीज तो क्या रहेगी कॉमन, यानी कि यहाँ पर भी ऐसे रहेगा xenon, उसके बाद 6s2 इलेक्ट्रॉन कैलकुलेशन क्या है ना 4f2 5d0, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है, प्रोमोसोडियम, उसका इलेक्ट्रॉन, उसका एटॉमिक नंबर क्या है 59। अगेन क्या है, एक इलेक्ट्रॉन अब यहाँ से सक्सेसिवली एक सबसे बढ़ते चले जाएंगे, सिर्फ हाफ फिल्ड वाली स्टेबिलिटी और फुल फिल्ड वाली स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर उधर होगा, ठीक है। प्रोमोसोडियम में एक इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक सबसे में पड़ेगा, बाकी चीजें कॉमन रहेंगी, ज़ेनॉन 6s2 4f3, ठीक है। और यहाँ पर अगेन क्या है ना 5d0, यानी कि यहाँ पर ये चीजें कॉमन रहेंगी, सिर्फ प्रोमोसोडियम में क्या पड़ेगा ज़ेनॉन 6s2, ये वाली चीज तो कॉमन रहेगी ज़ेनॉन 6s2, सिर्फ क्या पड़ेगा 4f3 5d0, ठीक है। उसके बाद उसके आगे वाला एलिमेंट कौन सा है, नियोडिमियम, उसका एटॉमिक नंबर 60 है, अगेन एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, ज़ेनॉन 6s2 4f4 5d0, ठीक है। यानी कि यहाँ पर हम ये चीजें ज़ेनॉन 6s2 कॉमन रहेंगे सिर्फ आगे के, लेकिन 4f4 5d0। उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट एटॉमिक नंबर 61, एटॉमिक नंबर इसका क्या है 61 है, अगेन ये चीजें कॉमन रहेंगी, ज़ेनॉन 6s2 वाली चीज कॉमन रहेंगी, आगे 4f सबस्ट्रेट में एक इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर बढ़ा ना एक से, एक इलेक्ट्रॉन सिर्फ क्या है इसमें पड़ेगा 4f5 5d0, ठीक है। यानी कि यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं इन शॉर्ट, ये तो ये कॉमन रहेगा ज़ेनॉन 6s2 4f5 और 5d0। उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट है समेरियम, हैविंग एटॉमिक नंबर 62, इसका एटॉमिक नंबर 62 है, क्या होगा ज़ेनॉन 6s2, सब जगह पे कॉमन रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर एक से बढ़ाना 61 से 62, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 5 था तो यहाँ पर क्या होगा 6 4f 6 5d 0, ठीक है। यानी कि यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं 4f 6 5d 0। उसके बाद यूरोपियम एटॉमिक नंबर 63, नेक्स्ट एलिमेंट क्या है यूरोपियम, ये अगेन ये चीज कॉमन रहेगी ज़ेनॉन 6s2 वाली, और एक इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा 4f सबशेल में 4f 7 5d 0, ठीक है। यानी कि यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं 4f 7 5d 0। उसके बाद देखो नेक्स्ट एलिमेंट है गैडोलियम, नेक्स्ट एलिमेंट इज गैडोलियम, नेक्स्ट एलिमेंट इज गैडोलियम हैविंग एटॉमिक नंबर 64, क्या है ना इलेक्ट्रॉन कंफिगरेशन ज़ेनॉन 6s2 4f8, और अगेन आगे क्या है ना 5d0। अब देखो ये गैडोलियम जो है वो दो एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन क्या है, कि जैसे यूरोपियम में एक इलेक्ट्रॉन f सबशेल में एंटर हुआ था 4f7 5d0, वैसे इसमें एक से एटॉमिक नंबर बढ़ना 63 से 64, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाना चाहिए, लेकिन स्टेबिलिटी अटेंड करने के लिए f सबशेल, हम सबको पता है कि f सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स है, 7 ऑर्बिटल्स है, टोटल कितने हैं 7 ऑर्बिटल्स है, तो एक ऑर्बिट के अंदर दो इलेक्ट्रॉन, यानी कि सबशेल फुलफिल कब रहेंगे 7 × 14 14 इलेक्ट्रॉन जब हम एफ सबशेल में भरेंगे तो सबशेल को क्या बोलेंगे फुलफिल्ड सबशेल बोलेंगे, और उसको अगर हाफ करना है तो 7 ऑर्बिटल में 7 इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये केस क्या हो गई हाफ फिल्ड वाली हो गई, तो हाफ फिल्ड सबशेल की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू यानी कि सबशेल एफ सबशेल सबसे ज्यादा स्टेबल कब होंगे, एक तो एम्प्टी होंगी हाफ फिल्ड होंगी या फुलफिल्ड होंगी, यहाँ पर हाफ फील्ड अटेंड करने के उसको क्या जरूरत है, एक इलेक्ट्रॉन सिर्फ
निकालने की जरूरत है, ये सबसे मैथमेटिकली क्या हो जाएंगे, हाफ फिल्ड हो जाएंगे। तो स्टैटिक टाइटलिंग करने के लिए ये क्या करेगा, आगे एक इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दूसरा आपको देखने को मिलेगा गैडोलियम का। यहाँ पर जेनॉन ये कॉमन रहेगा, 6s2 वाली कॉन्स्टेंट कॉमन रहेगी। सिर्फ ये जो आठवां इलेक्ट्रॉन है ये सबशेल में से जंप करके कहाँ पर जाएगा, डी सबशेल में, यानी कि यहाँ पर 4s7 5d1, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ठीक है। ये इसको बोलेंगे एक्सपेरिमेंटल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ गैडोलियम। ऐसा क्यों हुआ कि सिर्फ स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए इसने एक इलेक्ट्रॉन को कहाँ पर शिफ्ट किया, डी सबशेल में शिफ्ट किया। उसके बाद देखो नेक्स्ट एलिमेंट है गैडोलियम में, देखिए आगे ये कि क्या हमारा 4s7 5d1। उसके बाद टर्बियम हैविंग एटॉमिक नंबर 65, क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, ज़ेनॉन 6s2, क्या है था फिर 5d 4f8 है ना, ये क्या है ना 4f9 5d0। उसके बाद 66 एटॉमिक नंबर 66, और इसका क्या है 4f9 5d0। उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, डायस्पर्सियम हैविंग एटॉमिक नंबर 66, ज़ेनॉन 6s2 4f10 5d0, यानी कि यहाँ पर क्या है ना डायस्पर्सियम का नीचे से नीचे लिख देंगे थोड़ा सी जगह में 4f10 5d0। उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, होलोनियम हैविंग एटॉमिक नंबर 67, ज़ेनॉन 6s2 4f11 5d0, ठीक है, यानी कि यहाँ पर भी क्या है 4f11 5d0। उसके बाद इंडियम यूरोपियम क्या है 68, ज़ेनॉन 6s2 4f12, ठीक है, और आगे क्या है 5d0, तो आगे यहाँ पर 5f12 5d0। उसके बाद आगे क्या है हेलियम, हेलियम हैविंग एटॉमिक नंबर 69, हेलियम हैविंग एटॉमिक नंबर 69, हेलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखेंगे, हेलियम हैविंग एटॉमिक नंबर 69। हेलियम हैविंग एटॉमिक नंबर 69, ज़ेनॉन 4a, यहाँ पर कितना था 12 है ना, 4f13 5d0, 4f13 5d0। उसके बाद इटर्बियम हैविंग 70 एटॉमिक नंबर 70, क्या है ना ज़ेनॉन 4f14 5d0, ज़ेनॉन 4f14 5d0। और उसके बाद लास्ट वाला एलिमेंट है लुटेटियम हैविंग एटॉमिक नंबर 71, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या है ना ज़ेनॉन 4f14 5d1 4f14 5d1। f सबशेल फुलफिल्ड हो गई और हम इलेक्ट्रॉन एंटर इस नॉट डी सबशेल में, तो ये क्या है सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ लैंथेनाइड एलिमेंट, लैंथेनम से लेकर लुटेटियम तक, ठीक है। और कैसे एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है और क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन का इफेक्ट गिरता है पोजीशन पे पीरियोडिक टेबल में एफ ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। अब इसके बाद जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन तो हमने देख लिया सारे एलिमेंट्स का, एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन भी, एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन और ऑब्जर्व इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन भी देखा। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ
एंथेनॉइड एलिमेंट, और वो भी अगेन किसके ऊपर डिपेंडेंट है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के ऊपर डिपेंडेंट।